तो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री की एक मच अवेटेड मूवी 7-11 के टीजर के ऊपर। तो गाइस, वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो में आपको मतलब इस मूवी में आपको साहस और दीपिका रेड्डी देखने को मिलने वाले हैं। तो बस जल्दी से चलते हैं स्क्रीन पे और करते हैं रिएक्ट इसके टीजर पे और देखते हैं कि कैसा है, और क्योंकि नाम से तो काफी अच्छा लग रहा है यार। तो जल्दी से चलते हैं स्क्रीन पे और करते हैं इस टीजर पे रिएक्ट। हॉलीवुड जैसी लग रही है ना? नहीं, अर्थ की बोलते ना, ये 1999 ప్రపంచ మొత్తానికి రోజులాగా ఈ రోజు కూడా 24 గంటలు ఉన్నాయి, నాకు మాత్రం 24 వారాలు గడిచాయి. ఇవాళ ప్రతిసారి టైం కంటే ముందుండి గెలుస్తూ వచ్చాను. ఇప్పుడు ఆ టైమే నన్ను గెలవడానికి నా ముందుంది. కానీ నాకు మాత్రం దాన్ని గెలిచేంత టైం మిగిలేదు. बहुत सारे लोगों को चुना गया था, जैसे वो दिखाया नहीं था लोगों को वैसे, और शायद से इनको किसी चीज के जरिए इनको मारने का ये किया गया था, जैसे इसकी इनकी इस चीज पर नहीं दिखाया 7-11 पर, उससे पहले कुछ ऐसा करना है जिससे वो बच पाए। और ये स्टोरी यार दो मतलब और स्टार्टिंग जो थी वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था हॉलीवुड दी हुई है, और साईफाई थ्रिलर होने मतलब एक्शन भी होगा इसमें और काफी अलग सा है, ऐसा कंसेप्ट दिखा यार, मतलब ये जबरदस्त लगा, काफी अच्छा लगा। ये बहुत बड़ा कुछ दिखाया यार, बड़ा मतलब इतने कितने मिनट डेढ़ मिनट के टीजर में इन्होंने काफी अच्छे तरीके से बता दिया है कि क्या होने वाला है। और ये मूवी कब जैसे आ रही है? ये तेलुगु में ही रिलीज होगी। अच्छा, ये तेलुगु में ही रिलीज होने वाली है, पैन इंडिया लेवल पर नहीं होगी रिलीज, पर यार इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होना चाहिए यार। बड़े मुझे तो जबरदस्त लगा यार, कंसेप्ट भी जबरदस्त, और कलर्स बाय कलर्स एक नंबर के कलर्स है, और बीजीएम भी जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त है यार। मतलब मेरे को जो सबसे तगड़ी लगे ना कंसेप्ट की दो प्लैनेट के बीच में वही है कि, और शायद से जो पहला शॉट था वो था दूसरे प्लैनेट का। तो उधर से कुछ ये ऑपरेट हो रहा है, मतलब अभी लोगों को चुना जा रहा है अर्थ पर, लोगों को चुना जा रहा है, और शायद से उनको उनको मतलब पहले डिसाइडेड है अपने हिसाब से उन्हें वो करा, मतलब कि उनको उनके साथ टास्क कराए जा रहे हैं या कुछ वैसा कुछ, और उनको बचना है तो उनको उस चीज उस टास्क को जीतना पड़ेगा शायद से, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट है ये। तो गाइस, आप सबको कैसा लगा ये टीजर, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना अपना ओपिनियन। तो भाई हमें तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, मतलब कि थोड़ा अलग कुछ हटकर देखने के लिए मिलने वाला है दो प्लैनेट्स के बीच में, अब क्या होगा क्या नहीं होगा ट्रेलर में इंतजार करते हैं। तो चलिए आज की गपशप यहीं पर खत्म करते हैं, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो बस आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।